आइए आज इस राज दरबार में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है जी, आज इस राज दरबार में मेरा स्वागत है। लेकिन जेठ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज इन मर्दों से भरी सभा में आपने इस द्रौपदी को क्यों बुलाया है? अच्छा, तुमको नहीं मालूम? नहीं। जो तुमने हमारा इंद्रप्रस्थ के महलों में अपमान किया था अंधे का अंधा कहकर। अच्छा, आज उस अंधे के अंधे ने अपनी नई आंखें बनवाई हैं। नहीं बनवाई हैं। ध्यान से देख ले, ऑपरेशन करवाया से आंखों का। आंखों का, सच्ची बात। जीवन ज्योति क्लिनिक। जीवन ज्योति? हाँ, तू समझेगी ना, तेरी समझ में कम आवेगी ये बात। जीवन ज्योति ना समझूंगी ना, तू ना समझे, ये जीवन ज्योति है। ये मैंने पुनः बनवाई है, आज तेरा क्या हाल करेंगे ये हम राज दरबार में। अच्छा, तुझे एहसास नहीं होगा इस बात का। जेठ जी, मैंने जो आपसे प्रश्न किया है केवल मुझे उसका उत्तर चाहिए, फालतू की बात नहीं चाहिए मुझे। सुन हमारी बात। हाँ सुनाइए। सुन ले। सुनाइए। भाभी द्रौपदी। हाँ भाभी द्रौपदी ना, यहाँ से ये द्रौपदी। हाँ मेरी बात सुन, तेरे पे नहीं कटेगा ये। तूने ऐसे कांटे बोए हैं अपने लिए। अच्छा, जो तेरी तो बात छोड़, तेरे पांच पांच पतियों के भी बस की नहीं है काटना। ओ जेठ जी। हाँ जी। बहुत देर होगी सुनते सुनते। अच्छा, ये द्रौपदी खामोश है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि द्रौपदी डर गई। और मेरी बात को कान खोल के सुन लीजिए। कहिए कि आज आपने जो ये मेरे पांचों पति ये अपने अंडर में कर रखे ना, बंदी। हाँ, बना रखे। बिल्कुल।
ये ऐसे नहीं रहेंगे। कैसे रहेंगे? क्योंकि ये शेर है, शेर और है। शेर कभी पिंजरे में नहीं रहता है। जब शेर के नाखून और दांत उखाड़ दिए जाते हैं ना, अच्छा, तो वो शेर नहीं गीदड़ होता है। नहीं, वो फिर भी शेर रहता है। अच्छा जी, बिल्कुल। सुन मेरी बात, मेरी भी सुनिए। सुन ले। चीर की तार है तेरी खाक में मिला तू बाग। हंसनी ने हंसनी ने हंसनी नमत ना छेड़े छुपाओ जपाए कि आपने हमें सभा में बुलाया है और नंगी करके सभा में नचाओगे। हाँ जी, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं। कितनी? कि इस द्रौपदी को सभा में नंगा नचा सको। औकात का तो आज पता लगेगा कौन भारी है कौन कमजोर। पता तो आज तुम्हें भी लग जाएगी सारी। अच्छा, अभी तक बेटी बेटी देखी है, द्रौपदी नहीं देखी? अभी हम द्रौपदी ही देखना चाहते हैं। अच्छा, द्रौपदी तो हम, बेटी तो हम उस दिन भूल गए जिस दिन तुमने हमें अपमानित किया था। अच्छा, उस दिन से तुम हमारे लिए द्रौपदी हो। लेकिन मैंने तो छोटा सा मजाक किया था। आज हम भी तेरे साथ छोटा सा मजाक करेंगे। ये मजाक नहीं होता है। और क्या होता है? पहली बात तो आपकी पहली गलती ये है कि आज आपने भरी सभा में इस द्रौपदी को बुलाया है। हाँ। अपनी बेटी समान द्रौपदी को बुलाया है। मैंने आज केवल द्रौपदी को बुलाया है, किसी बेटी समान द्रौपदी को नहीं बुलाया। दूसरी गलती आपकी ये है कि सभा में बुलाने के बाद आपने मुझे अपमानित करने की मन में भी सोची। मन ये में? भी पाप है। ये मन की बात नहीं है, मन में सोची नहीं है, हम पूरा करने के विचार से हैं। अच्छा, पूरा करेंगे। पूरा आज तेरा चीर हरण होगा इस पूरे राज दरबार के सामने। बस बहुत हो चुका। अच्छा, और बहुत सुन चुकी। इनकी स्थिति से तो नहीं लगता, स्थिति खराब है इनकी। नहीं लगता कि मैं तो हवा हूँ, मुझ पे क्या पहरे लगाओगे? ओहो जेठ जी, कहिए। मैं तो हवा हूँ, मुझ पे क्या पहरे लगाओगे? अजी महसूस कर सकोगे पर छू ना पाओगे। छू ना पाएंगे बस की। लेकिन सुन, मैं भी कैसा दुर्योधन हूँ। कैसे दुर्योधन? कैसा बताए? घमंडी राजा। घमंडी? एक नंबर का घमंडी राजा। आज तेरा घमंड चूर चूर करेंगे। सुन बात मेरी, कहिए। सुन ले, कहिए। बुलानी से तने देनी पड़े खून की बेटी। वीर के संग वीर के संग बेरी करया डूब कर मर्याना। अच्छा, वीर के संग बेरी करया डूब के मर्याना। वीर हर मन नहीं बेरी करया ने करी छेड़ छाड़। जान दे तेने मैंने। अरे साहना साकी शहनशाह की इज्जत तारी। अच्छा, शहनशाह की इज्जत तारी। तेरा तू मनखराजारियों की गांधियों की अरे ताशियों की दासी बन जा। जन्म जन्म ताशियों की दासी बन जा। जन्म जन्म की मिट जा। देखा
था जेठी बहू का बैर खेरी अभी इसे पांचाली द्रौपदी जो घमंडी द्रौपदी है ना जी, इसका आगे से आगे आकर के इसका चीर हरण करिए। दुशासन कौन सा दुशासन? दुशासन खुश कितना हो रहा है? हाँ क्या बात है, आदेश मिला है चीर हरण करने का, करिए करते है तेरे में हिम्मत हाथ भी लगाने की? अरे हिम्मत तो बहुत है, ये दुशासन जितना काड़ा उतना ही खतरनाक। अच्छा मेरी बात सुन ले दुशासन, कह दे तेरे से बड़ी हूँ, तेरी भाभी हूँ। अच्छा, और भाभी माँ समान होती है, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कितनी? कि तुम इस भाभी द्रौपदी के इस चीर पर हाथ लगा सको। चल बैठ जाओ। हाथ काट का दर्द दूंगी दुशासन। चीर तो उतरेगा, अपनी बात कहे। मेरी सुन पहले, हम उतारेंगे तेरा चीर, तुम्हारी यही दुशासन तेरा चीर हरण करेगा। तेरे बस की नहीं है, हाथ सुन मेरी बात। हाँ बोल। सुन ले। बैठी है पंचायत, और सुन सुना हिमाती बता दे कौन है तेरा? कौन है? अरे तू शासन, अरे तू शासन, तू चीर तार आगे ने बढ़ाए हाथ, तू शासन तू चीर तार आगे ने बढ़ाए हाथ। चीर का मता हाथ लगाई है। अच्छा, चीर का मता हाथ लगाई है। मैं दे दूंगी आप तारे, जुआ कौन कौन खेले, किसकी हुई जीत हारे, जुए मैं दिखे जुए मैं हराई, किसने किसको मेरा अधिकार, जुए मैं हराई किसने किसका मेरा अधिकार, हो गए गोरी शंकर लाल।